हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे स्टूडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं गदर 2 इस फिल्म के बारे में। गदर 2 ये जो फिल्म है, ये फिल्म गदर इस फिल्म का सिक्वेल है जो कि 2001 में रिलीज़ हुई थी। गदर फिल्म जो है दोस्तों, ये फिल्म जो है इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के पे बेस्ड थी। बात करें इस फिल्म की तो गदर फिल्म में हमें सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा जैसे कलाकार जो है नज़र आए थे। गदर जो फिल्म थी उसका बजट 18 करोड़ 50 लाख रुपए था और इस फिल्म के अगर लाइफ टाइम वर्ल्ड कलेक्शन की बात करें तो 133 करोड़ इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम में कमाए थे और इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस पर मिल चुकी है। अभी बात करें गदर 2 फिल्म की, तो गदर 2 ये जो फिल्म है, ये फिल्म जो है अपनी सीक्वल जो फिल्म थी गदर इस फिल्म के जैसी ही फिल्म होने वाली, मतलब इन दोनों की स्टोरी जो है एक दूसरे को लिंक होने वाली है। गदर 2 जो फिल्म है, इस फिल्म के डायरेक्टर जो है अनिल शर्मा रहने वाले हैं और इस फिल्म का प्रोड्यूस जी स्टूडियोज और अनिल शर्मा प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूस करने वाली है। इस फिल्म की शूटिंग जो स्टार्ट हुई थी वो 1 दिसंबर 2021 को स्टार्ट हो गई थी। अगर बात करें हम गदर 2 इस फिल्म के ट्रेलर की, तो इस फिल्म का ट्रेलर जो है इसी साल 2022 में आ सकता है और ये फिल्म इसी साल 2022 में ही रिलीज़ हो सकती है। इस फिल्म की कास्ट में हमें सनी देओल और अमीषा पटेल जो है 20 साल बाद एक साथ फिर से नज़र आने वाला है। उसके साथ उत्कर्ष शर्मा जो है वो भी इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं और ऐसी संभावना है दोस्तों कि इस फिल्म में हमें सारा अली खान भी जो है लीड रोल में नज़र आ सकती है। तो दोस्तों, ये जो फिल्म है, इस फिल्म का अभी बजट और इस फिल्म की रिलीज़ डेट जो है अभी कन्फर्म नहीं हुई है। सिर्फ इस फिल्म की जो दोस्तों कुछ दिन पहले सिर्फ इस फिल्म का एक पोस्टर और एक टीज़र जो है रिलीज़ किया गया था। उस टीज़र को जो है ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल चुके हैं और इस फिल्म का अभी तक बजट भी नहीं रिवील नहीं किया गया है, इसीलिए मैं दोस्तों आपको इस फिल्म का बजट भी नहीं बताने वाला है। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।